हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने हॉलीवुड मूवी मैड मैक्स का एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। गूगल यूजर ने इस मूवी को 89% लाइक किया है और आईएमडीबी ने इसको रेटिंग 8.1 की रेटिंग दी है और इस मूवी ने 2016 में 6 ऑस्कर जीते हैं। अब बिना देरी के शुरू करते हैं इस शानदार मूवी का एक्सप्लेन। हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑस्कर मूवी एक्सप्लेन मैड मैक्स। शुरू होते ही हम देखते हैं पूरी दुनिया परमाणु हमले से तबाह हो गई है, कुछ नहीं बचा सिर्फ बंजर जमीन के। फिर हम मैक्स नाम की एक लड़की को देखते हैं, वह एक पुलिस वाला हुआ करता था परमाणु हमले से पहले। मैक्स अकेला था जिसका कोई परिवार नहीं था क्योंकि पृथ्वी के उजड़ने पर उसका परिवार समाप्त हो गया था। ऐसे में वह इस बंजर जमीन पर अकेले ही गुजारा कर रहा है। मैक्स कुछ गाड़ियों को देखता है जो उसकी ओर बढ़ रही है। फिर मैक्स अपनी कार में बैठकर कुछ दूर जाता है लेकिन वे लोग कुछ दूरी पर जाकर मैक्स को पकड़ लेते हैं। फिर मैक्स को कैद करते हुए एक अलग जगह पर ले जाते हैं। दरअसल ये खतरनाक आदमी की सेना थी जिसने मैक्स पर कब्जा कर लिया था और उस खतरनाक आदमी का नाम इमोर्टल जो है। जब दुनिया परमाणु हमले से खत्म हो गई थी तो कोई भी सरकार, पुलिस सिस्टम कुछ नहीं बचा, इसलिए ये जंगली जीवन जी रहे थे। लेकिन इमोर्टल जो के पास भोजन, पानी, पेट्रोल आदि सभी सुविधाएं हैं और वहाँ का पूरा सिस्टम इमोर्टल जो चला रहा है। इमोर्टल जो की सेना उसके लिए लड़ाई करती है। इमोर्टल जो और उसकी सेना भी किसी न किसी बीमारी की शिकार है। वे ठीक नहीं थे, वे ऐसी बीमारी के शिकार है जिसमें उनके लिए खून की जरूरत पड़ती है। पूरी सेना इमोर्टल जो अपना भगवान मानती है क्योंकि उनके पास पेट्रोल पानी था जो उनकी बेशकीमती दौलत थी, इसके सिवा कुछ नहीं था। दुनिया में खाने की कमी हो गई थी। इमोर्टल जो के अलावा अन्य कबीले भी थे लेकिन उन कबीलों को साधारण समझा जाता था। जब वे लोग मैक्स को एक कैदी के रूप में वहां लाते हैं तो उसकी पीठ पर लिख देते हैं इसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, क्योंकि उन लोगों का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव था। मैक्स उन लोगों से बचने की कोशिश करता है लेकिन वह पकड़ा जाता है। फिर इमोर्टल जो बाहर आता हुआ दिखाई देता है मगर वो इंसान बिल्कुल नहीं लगता था क्योंकि उसकी त्वचा बहुत अलग थी और उसने सांस लेने के लिए अपने मुंह पर पाइप जैसे मास्क लगा रखा था। क्योंकि इमोर्टल जो के फेफड़े और लीवर खराब हो गए थे इसलिए उसे सांस लेने में दिक्कत होती थी। जब भी वह बाहर कदम रखता है तो लोग उसके नाम के नारे लगाते हैं। थोड़ी देर के लिए वह पानी को खोल देता है अपनी सेना के लिए और उसे लेने के लिए सभी की भीड़ लग जाती है और इमोर्टल जो अपनी मर्जी से पानी को बंद भी कर देता है। तभी फ्यूरोंसा नाम की एक लड़की दिखाई देती है। वास्तव में इमोर्टल जो की बेटी थी, वो इमोर्टल जो की सेना की लेफ्टिनेंट थी। फ्यूरोंसा अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं घूमने निकलती है। उन सब ने अपनी गाड़ियों को आर्मी के टैंक की तरह बना रखा था। फ्यूरोंसा वार रिंग चला रही है जबकि उसकी सेना उसका पीछा कर रही है। फ्यूरोंसा ड्राइविंग को अपने ट्रैक को बदल देती है और दूसरी तरफ जाने लगती है। इमोर्टल जो ये नोटिस करता है फ्यूरोंसा ने अपना रास्ता क्यों बदल दिया। उसे अपनी बेटी फ्यूरोंसा पर शक होने लगता है, इसलिए वह केबिन में जाता है और वहाँ फर्श पर लिखा होता है आपके बच्चे कमांडर की सीट नहीं लेंगे। इमोर्टल जो की चार पत्नियां थी क्योंकि वे अपनी पीढ़ी को बढ़ाना चाहता था और सबको लड़ाई सिखाना चाहता था। लेकिन फ्यूरोंसा इमोर्टल जो की पत्नियों को लेकर भाग जाती है। बाद में इमोर्टल जो को अपनी सेना को हुक्म देता है क्योंकि इमोर्टल जो को एहसास हो गया था फ्यूरोंसा ने उसके खिलाफ बगावत शुरू कर दी है। उसकी सेना उसके लिए जान भी देने को तैयार थी लेकिन इमोर्टल जो की सेना का सबसे खास आदमी का नाम मैट्रिक्स था। मैट्रिक्स किसी वायरस से संक्रमित था, उसका शरीर के लिए खून की आवश्यकता होती थी। वे इमोर्टल जो की आंख का तारा था, उसने सोच लिया था इमोर्टल जो की पत्नियों को वापस लाना है, इसलिए मैट्रिक्स वहाँ अपनी वफादारी साबित करना चाहता है। मैट्रिक्स को पता चलता है मैक्स का खून उसके काम आ सकता है, इसलिए वे मैक्स को अपने साथ गाड़ी पर बांध कर ले जाता है। उसने अपने चेहरे को भी मास्क लगा रखा है और वह मास्क लोहे का बना हुआ है। उसकी सेना ने फ्यूरोंसा का पीछा करना शुरू कर दिया। उनके लिए लड़ाई ही उनके जीवन का उद्देश्य रह गया है। लड़ाई के लिए जाते समय वे अक्सर अपनी गाड़ियों पर डीजे बजाते हुए जाते हैं। इन लोगों को लड़ाई करना बहुत अच्छा लगता है, इतना ही नहीं उनके पास घातक हथियार भी हैं। फ्यूरोंसा पर एक कबीला हमला करता है जब वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही होती है। इमोर्टल जो अपनी पत्नियों के लिए फ्यूरोंसा से युद्ध करना चाहता है जबकि वे कबीला फ्यूरोंसा के वार रिंग के लिए लड़ाई करना चाहता है। इसमें पेट्रोल था जिसे उनका धन माना जाता है। मैट्रिक्स अपनी गाड़ी को तेजी से चलाते हुए फ्यूरोंसा तक पहुँचता है लेकिन फ्यूरोंसा ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया। फिर रेत का तूफान आ जाता है। मैट्रिक्स का एक ही लक्ष्य है किसी भी कीमत पर फ्यूरोंसा
फ्यूरोंसा पर कब्जा करना है। मैट इस फ्यूरोंसा पर बम धमाका करने की सोचता है ताकि एक धमाका हो और फ्यूरोंसा का वार रिंग रुक जाए। वे रेत के तूफान में और आगे बढ़ते हैं। मैक्स को पता चलता है कि विस्फोट के कारण उसकी भी मौत हो जाएगी, इसलिए वह मैट्रिस को ऐसा करने से मना करता है और मैट्रिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। फिर रेतीले आंधी के बाद का नजारा दिखाया गया है। मैक्स का आइडिया काम आ जाता है, लेकिन उसका चेहरा लोहे के मास्क से ढका हुआ है। इसके अलावा मैट्रिस से भी बंधा हुआ था। मैट्रिस को ऊपर उठाकर वह आगे बढ़ता है। वहाँ मैक्स फ्यूरोंसा को वार रिंग को देखता है। वह इमोटोल की पत्नियों को जाते हुए देखता है। इमोटोल की पत्नियों में से एक प्रेग्नेंट थी। मैक्स उन पर अपनी बंदूक तानता है। वह उन्हें कैद कर लेता है। सबसे पहले मैक्स उनसे पानी मांगता है। उन लड़कियों ने उसे पानी का पाइप थमा दिया। फिर वे कटर से उन पट्टियों को काटने के लिए कहता है जिससे वे बंधा हुआ था। इमोटोल की पत्नियों में से एक मैक्स की मदद करती है। वे उस जंजीर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फ्यूरोंसा ने नोटिस किया कि इमोटोल भी उसके साथ आसपास के लोगों में शामिल हो गया है और वे उसकी ओर बढ़ रहा है। फ्यूरोंसा समय नहीं होने के कारण भागना चाहती है, इसलिए वे मैक्स पर हमला करती है। मैक्स फ्यूरोंसा का सामना करता है और उसे मारता है। मैट्रिस को होश आने पर फ्यूरोंसा पर भी हमला करता है। मैट्रिस मैक्स की मदद करते हुए मैक्स की जंजीर काट देता है। मैट्रिक्स वार रिंग को पकड़कर दूर भागने की कोशिश करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वार रिंग रुक जाती है। वे वापस स्टार्ट नहीं हो रही थी। दरअसल फ्यूरोंसा ने अपने वार रिंग में एक कोड सेट किया था और एक समय के बाद उस कोड को एक्टिवेट करने की आवश्यकता होती थी और फ्यूरोंसा ही कोड जानती थी, इसलिए वे वार रिंग की ओर भागती है और मैक्स को पूरी कहानी बताती है। यहाँ मैक्स कहता है मैं केवल फ्यूरोंसा को अपने साथ ले जाऊंगा क्योंकि इमोटोल अपनी पत्नियों की वजह से उनका पीछा कर रहा है और इमोटोल अपनी पत्नियों को पाकर उनका पीछा करना बंद कर देगा। लेकिन फ्यूरोंसा ये कहते हुए मना कर देती है मैं इन लड़कियों को भी अपने साथ ले जाऊंगी क्योंकि मैं सुरक्षित स्थान पर जा रही हूँ जहाँ बचने की संभावना है। फ्यूरोंसा की बात को मानकर मैक्स इमोटोल की पत्नियों को भी अपने साथ ले जाता है। वे तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन इमोटोल की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। वार रिंग में एक प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए मैक्स बाहर आकर इसको ठीक करता है। वे वार रिंग फिर से चालू हो जाती है। इस बीच मैक्स उस लोहे के फेस मास्क को हटा देता है। फिर हम देखते हैं फ्यूरोंसा के वार रिंग में मैट्रिक्स होता है और उसे फ्यूरोंसा पर हमला करता है। तब इमोटोल की पत्नियां फ्यूरोंसा की सहायता करती है। वह मैट्रिक्स को मारना चाहती थी, लेकिन इमोटोल की पत्नियां उसे मना कर देती है, उसे मत मारो, वह ऐसा इमोटोल का गुनाम होने कारण कर रहा है। फ्यूरोंसा ने उसे अपने वार रिंग से नीचे फेंक दिया। फ्यूरोंसा तेजी से आगे बढ़ती है। पहाड़ों के रास्ते में आकर फ्यूरोंसा मैक्स और इमोटोल की पत्नियों को छुपाती है क्योंकि वहां एक कबीला और रहता था और फ्यूरोंसा ने उस कबीले के साथ सौदा किया था। वे उनके लिए बहुत पेट्रोल लाएगी, बदले में वे फ्यूरोंसा को सुरक्षित तरीके से जाने देंगे। लेकिन ट्राइब के वे बाइकर्स फ्यूरोंसा को अपना गुस्सा दिखाते हैं। जब वे इमोटोल की एक बड़ी सेना को देखते हैं, वे फ्यूरोंसा से कहते हैं हमने सोचा था कि सेना छोटी होगी, लेकिन ये एक बड़ी सेना है। अब फ्यूरोंसा ने मैक्स को अगले कदम के बारे में पहले ही बता दिया था। जिसे करना है उसे वे कोड मैक्स को भी बता दिया था। खतरा महसूस करते हुए फ्यूरोंसा मैक्स को भागने का इशारा करती है। मैक्स इसे करता है। वे वार रिंग गाड़ी चला रहा है जबकि बाइकर्स कबीले भी वहाँ धमाका कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने सोचा था कि इमोटोल और उसकी सेना उनके इलाके में आना चाहती है। फ्यूरोंसा अपने वार रिंग में जाने की कोशिश करती है, लेकिन एक बाइकर्स द्वारा उस पर हमला कर दिया जाता है। किसी भी तरह फ्यूरोंसा बच गई। अब इमोटोल के लिए आने का रास्ता बंद कर दिया गया था। अब वे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे, लेकिन उन बाइकर्स ने फ्यूरोंसा का पीछा करते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था उसके साथ कोई और भी है। इमोटोल और उसकी सेना बंद रास्ते से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। मैट्रिस को अपनी सेना में शामिल कर लेता है जबकि बाइकर्स फ्यूरोंसा और उसके साथियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। बाइकर्स वार रिंग को आग लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्यूरोंसा और मैक्स बहादुरी से उनका सामना करते हैं। इमोटोल वार रिंग के पास चलते हुए फ्यूरोंसा पर अपनी बंदूक से फायर करने जा रहा है, मगर प्रेग्नेंट लेडी इमोटोल के सामने आती है, उसे जाने देता है क्योंकि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। मैट्रिक्स फ्यूरोंसा के वार रिंग में जाने की कोशिश करता है। मैट्रिक्स अपने हाथ की जंजीर की वजह से एक जगह फंस गया है और उसके पास एक बंदूक थी जो नीचे गिर गई। इसे देखकर इमोटोल को गुस्सा आ जाता है। इमोटोल का बेटा उन पर हमला करता है एक थ्रोअर का उपयोग करते हुए जो वार रिंग के स्टीयरिंग पर सीधे हिट करता है। फेंकने वाले की वजह से स्टीयरिंग अलग होने वाली है, लेकिन वे प्रेग्नेंट महिला उस फेंकने वाली जंजीर को कटर से काट देती है। अब वार रिंग फिर से मैक्स के काबू में था, लेकिन उस प्रेग्नेंट महिला बाहर गिर जाती है और इमोटोल की गाड़ी भी पीछे चल रही थी। वे प्रेग्नेंट लेडी को बचाने के चक्कर में अपनी गाड़ी को पलटा देता है। इमोटोल अपनी प्यारी पत्नी के लिए वहीं रुक जाता है। जब आगे बढ़ते हैं, इमोटोल की पत्नियों में से एक वापस आती है और वहाँ मैट्रिस को देखती है। मैट्रिस निराश था, उसने कुछ भी अच्छा नहीं किया, लेकिन इमोटोल की पत्नी उसे समझाती है।
और मैट्रिक्स खुश हो जाता है। अब मैट्रिक्स ने फैसला किया कि वे इमोर्टल की पत्नियों की मदद करेगा। फ्यूरेंसा रात में मैक्स को अपना मकसद बताती है। वह मैक्स से कहती है, बचपन में मैं घास के मैदान में रहती थी, यही कारण था मेरा नाम ग्रीन रीजन था, और वह अपने परिवार के साथ रहती थी। फिर इमोर्टल ने वहाँ पर हमला कर दिया और मुझे अपने बेटी बनाकर ले गया। वह बताती है, मैं अपने परिवार के पास लौटना चाहती हूँ ताकि मैं एक इंसान की तरह जीवित रह सकूं, क्योंकि यहाँ के लोग किसी वैश्य से कम जीवन जी नहीं रहे। फिर वे एक ऐसी जगह से गुजरते हैं जो एक दलदल थी, जहाँ उनका वार रिंग फंस गया था। उधर इमोर्टन की सेना अभी भी उनका पीछा कर रही थी। इमोर्टन की पत्नी अब नहीं रही। इमोर्टन का आदमी जांच करता है कि इमोर्टन का बच्चा भी मर चुका है। इमोर्टन अपने बच्चे के खोने पर अपना आपा खो देता है। इमोर्टल अपने बेटे जायट को कहता है, तुम्हारा एक भाई था जो मर चुका है। अब वह जायट चिल्ला तो है, वहाँ सबको बता रहा था, मेरा एक भाई था जो अब मर चुका है। दूसरी तरफ वार रिंग अभी भी दलदल में फंसा हुआ था। वे इसे निकालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक पेड़ था। मैट्रिक्स कहता है, हम इस पेड़ के जरिए अपने वार रिंग को इससे निकाल सकते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि इमोर्टल का करीबी साथी उनकी ओर बढ़ रहा है, इसलिए मैक्स उन्हें अपने स्नाइपर गन से निशाना बनाता है, लेकिन निशाना सही नहीं लगता। फ्यूरेंसा उसे निशाना बनाती है। उस आदमी की दोनों आंखें खराब हो जाती है। इमोर्टल का साथी नहीं रुका और अपनी बंदूक से फायर करते हुए उनकी ओर बढ़ रहा है। वे वार रिंग को दलदल से बाहर निकालने के लिए सब बहुत कोशिश करते हैं और वार रिंग निकल जाती है। वे आगे की ड्राइव करते हैं, तब एक जगह पहुंचते हैं। वहां पर एक ओल्ड लेडी चिल्ला रही थी। फ्यूरेंसा को पता चलता है वे ओल्ड लेडी उसकी माँ है, और उनके साथ में एक ओल्ड लेडी भी थी जिसके पास कुछ बीज थे। वे सब्जियां और फलों के बीज थे जो दुनिया में सबसे आखिरी थे, लेकिन उनके पास इन बीजों को बोने के लिए जमीन नहीं थी। फ्यूरेंसा यहाँ इस आशा से आई थी कि ये घास का मैदान है। बंजर पड़ी जमीन को देखकर वे उदास हो जाती है। वे चिल्लाती है और रोती है। फ्यूरेंसा की माँ उससे कहती है, दरअसल वे दलदली जगह जहाँ तुम आए थे वही जमीन थी जहाँ हमें बीज बोने थे, लेकिन वे जमीन बंजर हो गई है। ये पहले घास का मैदान था। परमाणु बम के प्रभाव ने पूरी भूमि को बंजर में बदल दिया है। वे रात में तय करते हैं कि औरतों को और बीजों को ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ बचने की संभावना हो। इसका मतलब है यहाँ घास की जमीन हो सकती है। मैक्स फ्यूरेंसा से कहता है, फिर मिलेंगे, क्योंकि वे अपनी मंजिल पर जाना चाहता है। आने वाली सुबह मैक्स को एक बाइक देते हैं और वे खुद बाइक पर सवार होकर निकल पड़े, लेकिन मैक्स अपने परिवार के लोगों की कल्पना करना शुरू कर देता है। फिर मैक्स का मन कहता है, फ्यूरेंसा और उसके साथियों की मदद करो। फिर मैक्स अपना इरादा बदलता है और वह अपनी बाइक को उनके पास ले जाता है। मैक्स फ्यूरेंसा को समझाता है, यदि आप अपनी लाइफ को नई शुरू करना चाहते हैं और घास के मैदान की खोज करना चाहते हैं, तो आप उस जगह पर लौट सकते हैं जहां से आप आए हैं। लेकिन इमोर्टल की वजह से उनके लिए खतरा था, लेकिन फ्यूरेंसा मैक्स पर भरोसा करते हुए मान जाती है। वह उसी रास्ते से जाती है जहां से वह आई थी। अब इनका बस एक ही मकसद है, इमोर्टल। ये जानने के बाद फिर उनका पीछा करना शुरू कर देता है। फ्यूरेंसा और उसके साथी वापस लौट रहे हैं। यहाँ उनके बीच लड़ाई छिड़ जाती है। इमोर्टल को मारने की कोशिश करता है। उस ओल्ड लेडी को मौत के घाट उतार दिया जाता है जिसके पास बीज था। फिर फ्यूरेंसा उस इमोर्टल के मुंह का मुखौटा खींचती है। वह मास्क इमोर्टल के चेहरे से चिपका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा बाद में और भी भयानक था। इमोर्टल की मौके पर ही मर जाता है। इस बीच फ्यूरेंसा भी बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन वह अब अपनी जगह पहुंच गई है। ये जानकर इमोर्टल मर चुका है, उसकी सेना खुश है। ये देखकर चौंक गए कि फ्यूरेंसा वापस आ गई है, और वे फ्यूरेंसा को अपना कमांडर मान लेते हैं। वे उसे ऊपर लाते हैं। यहाँ मैक्स अपनी मंजिल के लिए निकल जाता है और फ्यूरेंसा उसे जाते हुए देखती है। फिर उस जगह का एक घास का स्थान दिखाया गया है। ये एक कमांडर होने के नाते फ्यूरेंसा भविष्य में सब कुछ बदल देगी। इसी के साथ ये शानदार मूवी पूरी होती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। जय हिंद।